मैदा लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, घी या फिर तेल, मोयन देंगे बढ़िया सा और नॉर्मल पानी से टाइट आटा लगा कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। इस स्टफिंग के लिए तेल चढ़ाएंगे, तेल में डालेंगे जीरा, हरी मिर्ची, हींग डाल देंगे थोड़ी सी, हम इसमें डाल देंगे दरदरी की हुई धनिया, आंच को धीमी रखेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, भून लेंगे। इसके बाद इसमें उबाल कर फोड़े हुए आलू हैं इसको डाल देंगे, उबले हुए आलू, काला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, आमचूर पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे, सारी चीज़ों को आलू के साथ चलाते हुए भून लेंगे और आलू को कलछी से हल्का हल्का दबाते हुए फोड़ते भी जाएंगे और भूनते भी जाएंगे। थोड़ी सी मटर है मेरे पास, इसको भी डाल देते हैं। आलू को कलछी से हल्के हल्के प्रेस करते हुए भूनेंगे, आंच को धीमी रखेंगे थोड़ा, आलू हमारी अच्छे से भुन गई है तो हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। हम यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेंगे या फिर मैदा और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, पानी की सहायता से एक मोटा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे की हम छोटी बड़ी बड़ी लोइयां बनाएंगे, इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। जब ये रोटी की तरह बेल जाए तो हम इसकी 1 से 1.5 इंच की जितना आपको पसंद हो पट्टियां कट कर लेंगे चाकू से और इन्हीं के ऊपर स्टफिंग रख देंगे फैलाकर इस तरह से, और आटे वाला घोल एक साइड लगा देंगे किनारे की तरफ, अपने आगे की तरफ से घोल करते हुए इसको किनारे पर ले जाकर चिपका देंगे अच्छे से। ऐसे ही हमें सारा तैयार कर लेना है। तैयार हो जाए फिर हम तेल चढ़ाएंगे, तेल को गर्म होने देंगे। अब हम एक रोल उठाएंगे और उसके साइड पर जो हमने आटे वाला या फिर मैदे वाला जो भी रोल आपने बनाया हो उसको साइड में लगा देंगे। और सबको फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। अगर आपको मैदे से ना बनाना हो तो मैदे की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। आँच को तेज बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हम इन्हें धीमी धीमी आँच पर ही तलेंगे ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हों। धीमी धीमी आँच पर हम इसे चारों तरफ पलट पलट कर
हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। आप इसे चाय के साथ खाइए या फिर अपनी पसंद की सॉस के साथ खाइए, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। टी टाइम स्नैक्स हमारा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।